पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने अपने नाम किया छठा गोल्ड मेडल। नवे दिन दो मेडल जीते, भारत को अब तक 27 मेडल मिले। पेरिस पैरालंपिक्स मेन हाई जंप में प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता। प्रवीण ने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर की छलांग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रवीण को दी बधाई। प्रवीण के दृढ़ संकल्प की सराहना की। मेन्स शॉटपुट F57 की कैटेगरी के में होकातो होतोजे सेमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। होकातो ने 14.65 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो किया। पेरिस पैरालंपिक्स के समापन समारोह में हरविंदर प्रीति भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारत के शेफ टी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान ने किया ऐलान। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया बी ने अपनी पहली पारी में 321 रन बनाए। मुशीर खान ने 181 रनों की पारी खेली। मुशीर ने नवदीप सैनी के साथ मिलकर 205 रनों की साझेदारी की। दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में 8वें विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है। नवदीप सैनी ने 56 रन की पारी खेली। इंडिया ए के कप्तान शुभमन गिल ने किया बल्ले से निराश। 43 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए। गिल का विकेट नवदीप सैनी ने लिया। इंडिया डी के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरी पारी में इंडिया सी के खिलाफ 44 गेंद पर खेली 54 रनों की पारी। अंशुल कंबोज ने लिया श्रेयस का विकेट। बीसीसीआई सचिव जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद 29 सितंबर को बंगलुरु में होगी बोर्ड की सालाना एजीएम मीटिंग। मीटिंग में नए सचिव को लेकर चर्चा होगी। श्रीलंका के खिलाफ ओवल टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। ओली पोप ने शतक लगाया। बेन डकेट ने लगाई हाफ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को दूसरी टी20 मुकाबले में 70 रनों से हराया। 3 मैचों की टी20 सीरीज पर 2-0 से क्या कब्जा। जॉश इंग्लिश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाई। 43 बॉल पर अपना शतक किया पूरा। 103 रनों की खेली पारी। भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच विक्रम राठौर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से जुड़े। भारत के ग्रेटर नोएडा में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट खेला जाना है। इस टेस्ट मुकाबले के लिए विक्रम राठौर को न्यूजीलैंड के कोचिंग स्टाफ से जोड़ा गया। विनोद कामली ने फैंस को दिया हेल्थ अपडेट। वीडियो जारी कर कहा, मैं पूरी तरह से फिट हूँ। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन पहले विनोद कामली का लड़खड़ाते हुए वीडियो आया था सामने, हुआ था वायरल। वीडियो में कामली ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सितंबर में नीरज बेल्जियम में जलवा दिखाएंगे। पाकिस्तान के अरशद नदीम इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। डायमंड लीग फाइनल्स 2024 का आयोजन 13 सितंबर से ब्रुसेल्स में होगा। कुल 6 एथलीट्स में होंगे शामिल। नीरज को ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ अपने करियर का 900वां गोल किया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया।